नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बीजेपी दो सूचियों में अभी तक अपने 265 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने दो सूचियों में 82 उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन दिल्ली में, जहां आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को 3 सीटें मिली, वहां अभी तक कांग्रेस एक उम्मीदवार नहीं उतार पाई। जबकि पिछले दो लोकसभा चुनाव के लिहाज से जिन राज्यों में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है, उनमें एक राज्य दिल्ली भी है। इधर दूसरी मुसीबत ये कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े चेहरे बीजेपी में धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं, और इससे जिताऊ उम्मीदवारों का सिलेक्शन कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित होता जा रहा है। पंजाब से कांग्रेस को ऐसा ही झटका लगा है। कांग्रेस से 4 बार की सांसद रही कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई। आज देखिए कैसे मिलेगा टिकट टू दिल्ली। संसद में एंट्री की शुरू तैयारी, कौन किस पर कितना भारी। टिकट बंटवारे का घमासान, दिल्ली की राह नहीं आसान। एनडीए इंडिया की फाइट, किसका कैंडिडेट कितना राइट। दिल्ली की लड़ाई का शंखनाद होने के बाद टिकट बंटवारे का ऐलान भी शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को हैट्रिक से रोकने के लिए इंडिया अलायंस पूरे जोर शोर से लगी, तो बीजेपी ने भी दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शुरू कर दी। लेकिन दोनों ही टीम के लिए सीट और चेहरों को मैच करना आसान नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा नामों का ऐलान करके विपक्षी पार्टियों पर जो प्रेशर बनाया, उसका असर भी दिखने लगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी अपने अपने राज्यों में प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुट गईं। लेकिन विपक्षी गठबंधन में अभी भी सब कुछ साफ और सुलझा हुआ नहीं है। पंजाब में टूटा गठबंधन। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 13 में से 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पंजाब में आप पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए पहली सूची जारी करते हुए 5 मंत्रियों को अलग अलग सीटों पर उतारा। आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी सूची में पटियाला से बलवीर सिंह, अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू, फरीदकोट से करमजीत अनमोल, बठिंडा से गुरमीत सिंह खुडिया, संगरूर से गुरमीत सिंह मीथियर और फतेहगढ़ साहिब से पिछले हफ्ते कांग्रेस से आप में शामिल हुए गुरप्रीत सिंह जीपी को टिकट दिया गया। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग रखता हूं और बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं। कलाकारी में भी लोगों के बीच ही था, तो राजनीतिक जो सफर होगा उसमें भी लोगों में रहना। सो पहले लोगों को अपने कला से हंसाते थे, तो इस बार कोशिश करेंगे कि अपने कामों से हंसाएं। जो भी होगी लोकसभा, साड़ी पार्टी पूरी तरह तैयारी। एक तरफ पंजाब विधानसभा जीतने के बाद आम आदमी पार्टी पूरे जोश में है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने चेहरों का ऐलान नहीं किया। वहीं टिकट बंटवारे के बीच पार्टी बदल का सिलसिला भी लगातार जारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अपनाने से इनकार किया, तो अब कांग्रेस के नेता भी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। टिकटों के ऐलान से पहले पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पंजाब की पटियाला से 4 बार कांग्रेस के सांसद रहीं परनीत कौर ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। आपको बता दें कि परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं, जिनका पटियाला सीट पर खासा दबदबा। परनीत कौर पिछले 25 वर्षों से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती आ रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि परनीत कौर को बीजेपी इसी सीट से उम्मीदवार बना सकती है, और परनीत कौर के साथ इतिहास में पहली बार बीजेपी पटियाला सीट से चुनाव लड़ेगी। पटियाला से परनीत कौर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 79 साल की परनीत कौर को टिकट देने के लिए बीजेपी 75 से अधिक उम्र के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारने की अपनी नीति में भी ढील दे सकती है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हूँ। खुशी है मुझे, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं लोकतंत्र में, लोकसभा में और विधानसभा में मैंने काम किया है,
अपने क्षेत्र के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए। तो दरअसल लोकसभा चुनाव की ऐसी बाजी है जिसको जीतने के लिए हर पार्टी फूंक फूंक कर चेहरों के नाम का ऐलान कर रही है। दिल्ली में बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने हिस्से के कैंडिडेट तय कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी ने देखे किसको किसको मैदान में उतारा है, किन पर भरोसा जताया गया। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। आपके जो उम्मीदवार है, देखिए सोमनाथ भारती, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को टिकट दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली की बात की जाए, सही राम पहलवान यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। कुलदीप कुमार पूर्वी दिल्ली से, कुलदीप कुमार पर पार्टी ने भरोसा जताया। तो महाबल मिश्रा को पश्चिमी से पार्टी ने मैदान में उतारा है। इधर विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक दिल्ली की बाकी जो 3 सीटें उसके खाते में गई है, वहां पर देखिए चांदनी चौक, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, यहां पर क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है क्योंकि अभी तक एक कैंडिडेट भी कांग्रेस ने मैदान में नहीं उतारा है। तय नहीं कर पा रही कांग्रेस, क्या अड़चन है पता नहीं, लेकिन सबसे मुश्किल राज्यों में से एक ये भी है क्योंकि यहां पर बीजेपी 2 बार लोकसभा चुनाव में लगातार क्लीन स्वीप करती आ रही है। अब दिल्ली की जो 7 लोकसभा की सीटें हैं, यहां पर कब्जे के लिए बीजेपी ने भी कमर कसी हुई है। 2019 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार दिल्ली की 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट बदलकर सबको चौंकाया है। सिर्फ एक नाम आपको बता दें, आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से टिकट दिल्ली तय किया गया है, बीजेपी ने कैसे किया है। मनोज तिवारी सिर्फ रिपीट किए गए हैं यहां पर, अगर इनको छोड़ दें तो 2019 के चुनाव में जीते किसी भी चेहरे को पार्टी ने इस बार रिपीट नहीं किया है। इसके बाद देखिए दूसरा चेहरा आपको दिखाते हैं, ये नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रवीण खंडेलवाल, पहले थे चांदनी चौक से लेकिन उनकी जगह पे अब इस बार उनको मैदान पे उतारा गया है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी का एक कद्दावर चेहरा, रणनीति में बदलाव करते हुए उनका टिकट काटा बीजेपी ने, इस बार इनको मौका दिया। एंटी इनकम्बेंसी बार बार कही जा रही थी, उम्र फैक्टर भी एक तो इनके हिस्से आ रहा था इसलिए भी टिकट कटा। अब अगली सीट का रुख करते हैं, वेस्ट दिल्ली, वहां से भी आपको दिखाते हैं, यानी कि वेस्ट दिल्ली में देखिए किसका टिकट कटा। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का टिकट, कमलजीत सहरावत को यहां पर टिकट मिला है। यह भी एक बदलाव देखने को मिला और यह भी एक बड़ा चेहरा, बहुत वोकल चेहरा, लेकिन फिर भी पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। एक बयान इनके आड़े आ गया जो इन्होंने दिया था एक समुदाय को लेकर के। अगला देखिए साउथ दिल्ली की बात की जाए, रामवीर सिंह बधूरी, इनको टिकट दिया गया है, किसका टिकट कटा। फिर एक ऐसा चेहरा जो कि विवादों में भी रहा, वोकल जरूर लेकिन जबरदस्त छीछा लेदर बीजेपी की करवाई और इस वजह से टिकट रमेश बधूरी का पार्टी ने काट दिया। अब आपको नई दिल्ली सीट से भी रूबरू करवा देते हैं, वहां पर देखिए एक नई दिल्ली सीट पर यह बहुत अहम चेहरा हो जाता है। लेगेसी सुषमा स्वराज की बांसुरी स्वराज के साथ है क्योंकि उनकी बेटी है, लेकिन कद्दावर पार्टी में मीनाक्षी लेखी, उनका टिकट काटकर इनको टिकट दिया गया है, इन पर भरोसा पार्टी ने जताया है। इसके अलावा आपको बताएं अन्य सीटों की भी बात कर लें, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें, देखिए योगेश चंदोलिया को टिकट मिला है, हंसराज हंस ये भी एक अहम चेहरा है लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाए तो इनका भी टिकट पार्टी ने काट दिया। एक और सीट आखिरी ईस्ट दिल्ली की बात की जाए तो देखिए ईस्ट दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है, गौतम गंभीर, इन्होंने तो ऐलान भी कर दिया चुनावी राजनीति से संन्यास से लेने का, तो इनको उम्मीदवार बनाया गया, उनका टिकट कटा। ये बीजेपी ने 7 चेहरे अपने सामने रख दिए हैं। दिल्ली की लड़ाई को लेकर बिहार की 40 सीटों पर घमासान शुरू हो गया। नीतीश के पाला बदलने के बाद एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो चुका है। तो वहीं बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने 11 सीटों पर लड़ने का ऐलान करके इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। बिहार में ओवैसी ने उन सीटों को टारगेट किया है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि सीमांचल के हिस्सों में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने का फायदा AIMIM उठाना चाहती, जिसे ध्यान में रखते हुए अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इसके अलावा दरभंगा, उजियारपुर और काराकाट के इलाके में भी मुस्लिम आबादी अधिक होने की वजह से AIMIM ने चुनाव में उतरने का फैसला किया है, जबकि मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया के अलावा बक्सर ऐसे इलाके हैं जहां ओवैसी की पार्टी को सफलता मिलने की उम्मीद है। बिहार की इन 11 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक स्थिति में है। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की लेकिन अब भी ढाक के 3 पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अकलियतों का वोट लें लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें, तो ये बड़ी दुख की बात है। नतीजा ये हो रहा है कि हम लोगों का दबाव है पार्टी के तमाम तर कारकुनों का, हमारे जो वर्कर्स हैं उनका, कि साहब हम लोग इतना प्रयास करते हैं, अगर हम लोग इस तरह से विफल हो जाएं तो कैसे क्या होगा। तो हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया गठबंधन ने तो बीजेपी मोर्चे में सिर्फ टव्वल तक का ऐलान कर दिया, लेकिन खबर आ रही है कि एनडीए ने बिहार की 40 सीटों के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एनडीए ने बिहार की 40 सीटों के लिए जो फॉर्मूला तय किया है उसके मुताबिक
बीजेपी ने चिराग पासवान की LJPR को 5 सीटें दी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की RLSP को 1 और जीतनराम मांझी की हम को 1 सीट दी गई। वहीं बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर तो NDA में शामिल हुए नीतीश की पार्टी JDU 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। NDA ने सबसे बड़ा झटका चिराग के चाचा पशुपति पारस को दिया, जिन्हें कोई सीट नहीं दी गई।